हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस, मैं गुड मॉर्निंग इसीलिए विश कर रही हूँ क्योंकि एडिट सुबह कर रही हूँ और यहाँ पर हो रही है रात। हम लोग डिनर बना रहे थे, वैभव और मैं। एक्चुअली वैभव को चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना आता है, इसी वजह से उसको जो भी चाहिए वो मैं काट के दे रही थी और वो बना रहा था। एक्चुअली यहाँ पर चिकन फ्राई बना रहा था वो, और मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सारे मसाले भून रही हूँ। और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे गाइज, और डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे सुबह। तो गाइज, यहाँ पर बन रही है कॉफ़ी। एक्चुअली वैभव चाय नहीं पीता है ना, तो वो आता है तब हमारी कॉफ़ी ही बनती है, मतलब सब लोग हम लोग कॉफ़ी लेते हैं, तो इसी वजह से सब लोगों के लिए ये कॉफ़ी बन रही है। बस छाछ चलाना है, और छाछ चलाने के लिए इतने सारे लोग माही, अद्विक, मैं। पहले तो मैं और माही जाने वाले थे, बट अभी अद्विक भी आ रहा है हमारे साथ। चलो चलिए, पहुंच गई हूँ मैं डेयरी में। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ मुझे छाछ लेने आना था, क्योंकि आज बनाना है मुझे ढोकला, वो सूजी और इसका बेसन का। एक्चुअली मम्मी की रेसिपी है, बट आज ट्राई करती हूँ। मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ ना वो ढोकला, मेरे से बनता ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो बनता ही नहीं है। और सारी चीज़ें अच्छे से डालती हूँ, बट होता ही नहीं है वो। तो आज वैभव बोला कि चलो ब्रेकफास्ट में ढोकला ही बनाओ, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो। छाछ नहीं था घर पे, थोड़ा सा ही दही था, तो आ गए थे हम लोग छाछ लेने, क्योंकि मम्मी छाछ डालती है। तो मैंने सोचा जो भी मम्मी डालती है ना, वो वैसे वैसे ही करूँगी मैं इस टाइम पे। तो बट अभी पता नहीं कैसे बनने वाला है, आगे आप देख ही लेना। यहाँ पर अद्विक मेरे साथ आता है ना, तो कुछ ना कुछ लेके देना ही पड़ता है उसे, और वो उसी चीज़ के, पापा के साथ भी। तो बस यहाँ पर उसके लिए चॉकलेट्स ढूंढ रही हूँ, तो उसने जो चॉकलेट मांगे मुझे वही उसको खरीद के दे दूंगी, और उसके बाद चले जाएंगे हम लोग घर पे। और घर पे आप लोगों के साथ ढोकले की रेसिपी शेयर करती हूँ जो मम्मी बनाती है, और मम्मी के हाथों से इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है यार ढोकला। जब भी हम लोग वहाँ पर जाते हैं ना, तो मम्मी को ढोकला बनाने के लिए ही बोलते हैं। आपने देखा होगा हमेशा, मैं मेरे मायके में हम लोग ज़्यादातर ढोकला ही खाते हैं, और बहुत पसंद है हम लोगों को ढोकला मम्मी के हाथों से बना हुआ। तो इसी वजह से हमेशा, देखो अद्विक को नींद से उठा के लाया था यहाँ पे, ब्रेकफास्ट में बन रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ढोकला भी। और जो भी हो रहा है आज का रूटीन यही होता है सुबह सुबह घर। वैभव आने के बाद तो थोड़ा सा चेंज हो गया, चलो अच्छा लग रहा है घर में। काफ़ी दिनों से वो बोल रहा था आता हूँ आता हूँ, बट आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको जॉब लग गया है और अभी उसका ट्रेनिंग चल रहा है। तो हाँ, बहुत से लोग पूछेंगे कि किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसका वो अभी जॉब लग गया है उसे, अभी उसकी कॉलेज ख़त्म हुई थी पिछले साल, और उस टाइम से वो जॉब सर्च कर रहा था, तो अभी उसे जॉब मिल गया है उसे जैसा चाहिए था। तो मतलब स्टार्टिंग अच्छी हुई है उसकी, तो इसी वजह से वो अभी उसका ट्रेनिंग ही चल रहा है, तो ट्रेनिंग पर ही है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पा रहा था, बट अभी फाइनली उसको टाइम मिल गया और आ गया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि वैभव का क्या है ना, वैभव ज़्यादा मेरे पास रहा है, जब मेरा घर बन रहा था ना तो वही मेरे पास था, तो इसी वजह से उसको इतना टेंशन नहीं रहता है यहाँ पे, उसे एकदम फ्री लगता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। और देखो घर पे आ गई हूँ, और आपसे बातें करते करते रेसिपी बताना ही भूल गई। मैंने हरी मिर्च पीस ली है, जो पेस्ट हमें चाहिए होगा उसके लिए ढोकले के लिए, तो हरी मिर्च पीस ली है, और जो मेस था वो पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अब मुझे ना बिल्कुल थोड़े सा भी मेस रहता है ना, तो मुझे काम ही नहीं सूझता है। तो आपका कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ, कैसे काम करूँ। तो सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे काम अच्छे से होता है मेरा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, और उसके बाद सूजी, ये 4 कटोरी सूजी है, तो 4 कटोरी सूजी ली है।
उसमें मैंने ये 1.5 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो भी डालना है, ये थोड़े से लम्स पड़ गया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च के पेस्ट में थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसी वजह से। और उसके बाद ये नींबू डाल दूँ थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए। वैसे छाछ भी है बट ये नींबू सर डालने से और भी ज़्यादा अच्छा खट्टा खट्टा सा आता है। और उसके बाद ये नमक डाल दिया है, वो स्वाद अनुसार आपको नमक डाल देना है। और उसके बाद मैंने ये 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है ये भी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनो डाल देना है। इनो एक पैकेट आप इनो डालना है तो एक पैकेट डाल सकते हो, नहीं तो अगर ऐसी बॉटल है आपके पास, ये जम गया था यार पता नहीं क्यों कैसे जम गया, तो ये तो अगर ऐसी बॉटल है आपके पास तो बड़ा 1 चम्मच इनो डाल देना। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना, ड्राई ही मिक्स करना, उसमें पानी मत ऐड करना। यहाँ पर ढोकले के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, उस पर पानी डाल दिया है। और जो प्लेट्स है ना ढोकले की, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है तो इसी वजह से मैं वॉश करके उसे क्लीन करके फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये क्लीन करके रखी हुई होती है बट काफ़ी दिनों की रखी हुई रहती है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा धूल वगैरह अंदर जाने का डर रहता है, तो इसी वजह से मैं क्लीन करके यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ उसे, और उसके बाद मैं उसमें छाछ डाल के वो बैटर बना लूँगी, ताकि वो जैसे ही बैटर बनाऊंगी इसमें मैं डाल पाऊँ और फिर हमारा ढोकला अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर ये छाछ का पैकेट है जिसमें से मैं छाछ निकाल रही हूँ, छाछ डालूंगी। एक्चुअली मम्मी जो है वो पूरा छाछ से ही भिगोती है और उसका ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है, खट्टा खट्टा सा बनता है। यहाँ पर मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, वो भूल गई थी मैं डालना। और बस यहाँ पर मिक्स कर दिया है अच्छे से इस सारी चीज़ों को, और उसके बाद अच्छे से छाछ डालूंगी। और छाछ ना जल्दी से वो सोक कर लेता है, पी लेता है, तो सूजी का तो नेचर ही वैसा है कि सूजी बहुत ज़्यादा पानी ले लेती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा छाछ डालना है। यहाँ पर मैं छान इसलिए रही हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, और उसमें जो बटर होता है वो भी उसमें उसके भी गोले रहता है, तो इसी वजह से छान लिया मैंने यहाँ पे छाछ को। और अच्छे से हल्दी डालना भी भूल गई थी, ऐसे होता है मेरे साथ, मैं जब भी जल्दबाजी में रहती हूँ, और मेरा तो काम जल्दबाजी का ही है हमेशा का, मतलब सारा कुछ करना पड़ता है यार, शूट भी करना पड़ता है, सब कुछ बनाना भी पड़ता है, उसके बाद एडिट करना, बहुत सारा टाइम ना इसी में चला जाता है मेरा, मतलब यूट्यूब के चक्कर में, और फिर दूसरा काम नहीं हो पाता। इसी वजह से जो भी करना होता है मेरा जल्दी जल्दी ही करती हूँ, अगर क्लीनिंग करनी हो वो भी जल्दी जल्दी, अगर खाना बनाना हो तो वो भी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। और देखो छाछ जब तक इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, तब तक आपको छाछ को डालते जाना है डालते जाना है। यहाँ पर पानी बॉईल हो गया है और मैंने इसमें ऐड भी कर दिया है ये हमारा बैटर, उसके बाद ये भी मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो स्टील का अगर आप कढ़ाई लेते हो ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं बनती है, मुझे लगता है ऐसे पर्सनली, जो हम लोग जैसे कढ़ाई में प्लेट रख के वो जो बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर ढोकला देखो फूला था बट इतना ज़्यादा नहीं जितना चाहिए था। मम्मी भी वही बोल रही थी कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब जैसे प्लेट रख के हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, इसमें इतना अच्छा नहीं बनता है। मम्मी ने भी पिछली बार बनाया था तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था उसका भी, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ढोकला बनाने में, बट उसका भी इतना ज़्यादा नहीं अच्छा बना था यहाँ पर आई थी तो, क्योंकि ये कढ़ाई का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर जीरा और राई का तड़का डाल दिया है, वैसे राई का ही डालते हैं तड़का बट माही को जीरा और राई का तड़का पसंद है, तो इसी वजह से मैंने जीरे और राई का तड़का बनाया था। और उसके बाद धनिया पत्ता काट के अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और फिर काट लूँगी अच्छे से वो डायमंड शेप में। और वैसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, मतलब ढोकले की टेस्ट तो लाजवाब थी, बट ढोकला जितना चाहिए था उतना नहीं फूला था। यहाँ पर आप देख सकते हो जितना चाहिए था उतना नहीं फूला था, अगर कढ़ाई में बनाती ना तो और भी ज़्यादा अच्छा फूलता। अगर आपको बनाना है ना सेम बैटर से तो कढ़ाई में बनाना, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका ढोकला। और हाँ, अगर आपको इस कढ़ाई का रिव्यू चाहिए तो मैं तो इस कढ़ाई को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, अगर लेनी हो ना आपको ऐसी कढ़ाई तो बिल्कुल भी मत लेना गाइस, बस आपको जो भी सिंपल वाला है वही लेना, अच्छी दिखती है दिखने में बट इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है वो, इडली भी अच्छी नहीं बनती है इसमें, इडली भी बिल्कुल नहीं फूलती है। सिंपल वाला कुकर लेना इडली का, ये मत लेना। हे गाइस, मैंने कुछ शॉपिंग की है अमेजोन से, तो जो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ दिनों से शॉपिंग कर रही थी, एक एक प्रोडक्ट आ रहे थे और अभी 2-4 प्रोडक्ट कलेक्ट हो गए, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ सारी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैंने ना वेस्टर्न ड्रेसेस की शॉपिंग की है कुछ, तो सबसे पहला जो ड्रेस है वो ये है गाइज, बहुत ही सुंदर सा स्ट्रैप वाला ड्रेस है, और इतना पसंद आया मुझे ये ड्रेस, आपको तो पता ही है मेरा ब्लैक फेवरेट है। यहाँ पर फ्रिल है नीचे, जॉर्जेट का ड्रेस है, आपको साइड में पिक दिख ही रहा होगा इसका कि कैसा है,
और इतना सुंदर है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही पेस्टल कलर की एम्ब्रॉयडरी की है, और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पहन के देखा था मैंने, अभी आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी, कभी कहीं जाना हो ना उसी टाइम आप देख लेना मुझ पर ये ड्रेस कैसा दिखता है। तो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये ड्रेस, और आप साइड में इसका पिक देख ही रहे हो कि कैसा लगता है, मतलब ओवरऑल इसका लुक कैसा आता है पहनने के बाद। तो ये है गाइस फर्स्ट ड्रेस। उसके बाद है ये वाला ड्रेस, आपको ये वाला ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये कुछ इस तरह से ड्रेस है गाइस, और इसका पैटर्न मुझे थोड़ा सा अलग लगा, कप्तान टाइप में है बट नीचे से कुछ इस तरह से ये ओपन है इसके स्लीव्स। उसके बाद ये ऊपर देखो कुछ इस तरह से है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही अच्छी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की है, ब्लैक कलर में ही ये पूरा ड्रेस है, और नीचे भी एम्ब्रॉयडरी की है, सेम ऊपर जैसी एम्ब्रॉयडरी है वैसे ही। मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया, दोनों भी ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद आया है, और कहीं जाऊंगी ना मैं उस टाइम मैं पहन के आपको दिखाऊंगी, बट अभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये ड्रेस। आप साइड में इसका पिक देख ही रहे हो कि ये कैसे लगता है पहनने के बाद ऐसे। तो ये है गाइस सेकेंड ड्रेस। उसके बाद मैंने माही के लिए लिया है ये जम्प सूट, ये वाला जम्प सूट, और इसका भी मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब माही के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये वाला जम्प सूट है, और इसका मटेरियल मैं आपको कैसे बताऊँ क्या है, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो नहीं है रेयन वगैरह नहीं है, खराब होने वाला नहीं है। अगर इसे आप वॉश भी करते हो ना तो इस पे चुन्नटी वगैरह पड़ने की टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फ्रिल दी हुई है, और बहुत ही सुंदर सा है, जिद दी हुई है पीछे, यहाँ पर ये बेल्ट है लगाने के लिए, मतलब आप टाई कर सकते हो इससे। तो ये बहुत ही सुंदर सा मरून कलर का जंप सूट है, और माही के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसका भी पिक आप साइड में देख रहे हो। और हाँ, इसके बाद मैंने एक साड़ी ली है गाइस, जो कि है ये वाली पैठनी, काफ़ी दिनों से मेरे कार्ट में थी, और फाइनली मतलब मैं सोच रही थी कि ये कौन से ओकेजन पर पहनूँ, तो अभी फेस्टिवल आने ही वाला है आगे, तब तक मैं इसे रेडी करने वाली हूँ और फिर पहनने वाली हूँ। आप डायरेक्ट इसे मुझे पहने हुए ही देखोगे, तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है पैठनी, ये कलर मेरे पास था ही नहीं, मुझे ये कलर कब से चाहिए था पैठनी में, और फाइनली मैंने ले लिया। कब से मेरे कार्ट में थी, मतलब शायद 2 महीने से ही मेरे कार्ट में थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लेने के लिए, क्योंकि पता है क्या, मेरी साड़ी लेती हूँ मैं और फिर वो पड़ी रहती है ऐसे, मैं पहन नहीं पाती हूँ ज़्यादातर, तो इसी वजह से साड़ी लेने की हिम्मत नहीं होती है, बट फाइनली मुझे इस साड़ी ने मजबूर कर दिया लेने के लिए। ये देखो पल्लू में कुछ इस तरह से डोरिया है, और ये साड़ी का पल्लू है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई गाइस, और इसे मैं अभी पता नहीं, अभी नहीं बताऊंगी आपको, इसे रेडी करने के बाद फिर पता नहीं कौन से ब्लॉग में पहनूंगी मैं इसे, बट आने वाले आप फेस्टिवल में इसे देख ही लोगे मुझ पे पहने हुए, बहुत ही सुंदर लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये कलर नहीं था ना, तो इसी वजह से इस कलर पर मेरा दिल आ गया था एकदम जैसे ही मैंने इसे देखा था। तो ये वाला इसका ब्लाउज पीस है, इसमें ना अंदर ऐसे बूटे बूटे हैं ब्लाउज पीस में, तो मतलब अंदर है एकदम नहीं दिखते हैं, ऊपर नहीं है, तो इसी वजह से मुझे ये ब्लाउज स्टिच कराने डालना है अभी और रेडी करना है, जब तक तो कोई फेस्टिवल आगे आ नहीं जाता, और तब मैं इसे पहनूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए, बट अभी आगे फेस्टिवल का वेट करूंगी। तो ये है गाइस लास्ट साड़ी मेरी, आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी, कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग ये भी जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ इसका अगर लिंक चाहिए आपको सेम लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी दे दिया है, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, और सेपरेट लिंक भी दे दिया है इसका, तो चेक जरूर कर लेना अगर आपको परचेस करना है तो, बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, सुबह से आपसे बातें नहीं करना हुआ, थोड़ी सी बिजी थी, वैभव आया है तो वैभव के साथ बातें करते हैं, ऐसे वैसे टाइम चला जाता है ऐसे ही, और अभी ये बना रहा है यहाँ पे चिकन, अभी जब से वैभव आया है तब से यही चल रहा है चिकन, और कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल चल रहा है, तो यहाँ पर ये चिकन बना रहा है, यहाँ पर चिकन बॉईल हो चुका है, यहाँ पे इन्होंने ये मसाला रेडी करने के लिए सब कुछ डाल के रखा है, अभी मुझे करना है, मतलब क्या क्या चाहिए आपको, लहसुन का पेस्ट। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, और मैंने ना हेयर वॉश किया है एक्चुअली, माही ने ऑयलिंग करके दी थी मुझे रात को, तो इसी वजह से वो अजीब से लग रहे थे बाल चिपको चिपको, तो मैंने हेयर वॉश किया और वो अभी किया, तो थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं इनको बना के देती हूँ जल्दी से, लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट खत्म हो गया है,
आज सुबह ही खत्म हुआ था जब हम लोगों ने वो बनाया ना, क्या था, ढोकला, ढोकले में डालने के लिए थोड़ा सा ही था तो मैंने उसमें पानी डाल के ही किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, बट उससे पहले शाम हो गई तो सबसे पहले मैं अभी दिया बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ नहीं लगाया यहाँ पे और अभी नहाया है ना मैंने, तो इसी वजह से दिया बत्ती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद ये बनाएंगे चिकन और फिर हम लोग चिकन खाएंगे। चलिए गाइस, खाना वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।